शहर के मध्य भागों में सड़क पर व्यवसाय करने वालों पर दुर्ग निगम अनदेखी कर रही है, जिसके चलते सड़क पर अव्यवस्थित पड़े मटेरियल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग शहर में एक तरफ शहर की जनता को सुविधा मुहैया कराने दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों पर काबिज अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों पर खानापूर्ति की कार्रवाई कर वाहवाही लूटी जा रही है, तो वहीं शहर के वार्ड में स्थित सड़क पर काबिज दुकानदारों की अनदेखी कर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा सड़क पर बेतरतीब फैले बिल्डिंग मटेरियल, अव्यवस्थित खड़े वाहन पार्किंग के कारण लोगों को सड़क से गुजरने असुविधा हो रही है। बता दें कि दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के भीतर वार्डों की सड़कों पर से कब्जा मुक्त कराने अपनी कोताही दिखाते शहर की जनता को इसका खामियाजा भुगतने छोड़ रखा है। इस संबंध में शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। प्रशासन से और नगर निगम प्रशासन से एकदम स्पष्ट कहना है कि उनका काबिज होने से पहले उनको उचित स्थान दे दिया जाए। जब वो 10 वर्ष 15 वर्ष तक अपना व्यवसाय चला लेते हैं, एकदम से उनको हटाना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी के रोजी रोटी पर अगर हम आक्रमण करते हैं तो उचित बात मैं नहीं मानता। मैं आज भी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से कहता हूं कि आप वहां पर उनकी व्यवस्था करें, और मुझे कहने में खुशी है कि निगम प्रशासन ने जो घुमटी की व्यवस्था की है हमारे फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए, और हम अभी इंदिरा मार्केट और ये शीतला मार्केट का विस्तार कर रहे हैं ताकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठ सके, सड़कों पर अतिक्रमण न हो, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं भी होती है, लोगों का जीवन असुरक्षित होता है। इस बात को व्यवसायी भी समझते हैं, लेकिन 20 साल बैठने के बाद उनको एकाएक हटाने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, नोटिस देना चाहिए, और सड़क अवरुद्ध न हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो लोग हमारे दुर्ग शहर के जागरूक हैं, वह खुद समझते हैं कि कहाँ व्यवस्था गड़बड़ा रही है, वो पूरा खुद सचेत करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं कि भैया ये सड़क जाम हो गई, तो इसमें जागरूकता तो हमारे शहर वासियों में है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर निगम प्रशासन को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि निगम प्रशासन अलर्ट है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।